शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कभी कभी मुझे लगता है ये सब मेरा ही कसूर है। इट्स एब्सोल्युटली माय फॉल्ट। अगर मैं तुम पे जबरदस्ती करती तो तुम्हारी अब तक शादी हो चुकी होती। जबरदस्ती करके क्या फायदा आंटी, वैसा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। इतने लड़के देखे हमने, आखिर कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? हैंडसम, स्मार्ट, पैसे वाला, अगर ना हो तो भी चलेगा। बस जिसके पास एक प्यार भरा दिल हो, जो कुछ क्रिएटिव काम करता हो, जैसे कि आर्किटेक्ट, और सबसे बड़ी बात, जो औरतों की इज्जत करना चाहता हो। लो बोलो, अरे जब इतने सालों में स्वीटी को ऐसा लड़का नहीं मिला तो तुम्हें तो फौरन मिल जाएगा। सॉरी भाई, सॉरी। क्या हो गया तुम्हारी आवाज को? क्या हुआ, क्यों ऐसा मर्द की तरह हंसी? आंटी, मुझे यकीन है कि मेरा ड्रीम मैन मुझे जरूर मिलेगा। ताने का गांव के अंदर आ गया, अभी कुछ नहीं बोल, कुछ ना? नहीं मुर्गा, जब तक मैं तानिया को अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं यकीन नहीं करूं। यू डोंट वरी, यू गिव मी वन आवर, अपन रॉकी के पास जाके ताने का ड्रेस लेके ताने के घर में जाएंगे, तो उसको जीवर के देखना और बात भी करना। कुछ क्या डिफिकल्टी? हाय रॉकी, कैसा है? हेलो, हाय, कम कम, वेलकम टू दुबई, कम प्लीज हैव अ सीट, बैठे ना। हाँ बैठे बैठे बैठे। Congratulations! Thank you. He was right. He was right. इसका दिल हमेशा सही कह रहा था। अरे रे रे रे। She's in Dubai. कैसी है? Beautiful. चेहरा उसका बहुत अच्छा है। अच्छा। Very good. Very good. लेकिन लेकिन सब जगह से फैल गई है वो। फैल गया बोलोगे तो क्या चादर है? 132 किलोमीटर की हो गई है। 132 किलोमीटर? I mean to say 132 किलोग्राम की हो गई बैठे बैठे। बैठे बैठे मतलब वो चल नहीं सकती? व्हीलचेयर पर कोई चल सकता है भला? व्हीलचेयर? उसका घर में दूसरा चेयर नहीं क्या? व्हीलचेयर का के लिए? अब शराब पी के लड़की गाड़ी चलाएगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। एक्सीडेंट? और तानिया शराब पीने लगी है? अरे बेचारी छूती तक नहीं है शराब को। अच्छा। लेकिन एक बार अगर गुस्सा आ गया ना तो पूरी की पूरी बोतल पी जाती है। और उस दिन उसके हस्बैंड के साथ उसका झगड़ा हो गया। हस्बैंड मतलब तानिया की शादी हो चुकी है? मैंने बोला वो शादीशुदा है? मैंने बोला? अरे विधवा है बेचारी, और वो भी डबल विधवा। पहला हस्बैंड वेरी गुड मैन, एक ही बुरी आदत, स्मोकिंग। एक दिन सिगरेट जलाई और फट गया। फट गया? पेट्रोल पंप पे खड़ा था ना, एकदम ब्लास्ट हो गया। दूसरा हस्बैंड? देवता आदमी था, कोई बुरी आदत नहीं थी, बस एक बीमारी थी भूलने की, भूल जाता था। सुबह उठा, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट में ब्रेड, जैम, बटर, चीज सब कुछ लिया, लेकिन मेन चीज लेना भूल गया। सांस? सांस, सांस लेना भूल गया और मर गया। बिकॉज ही हैड acute lymphangiectasia of lax when lot of us to my with was asal lekin dono husband mar gaye lekin apne bachcho ko kitne pyar se palti thi maine dekha hai bachcha bachcha bhi usko 6 bachche hatte katte 6 bachche 3 saal mein 6 bachcha kaise hota अब जुड़वा है ना, हर साल में दो दो। सही बात है। उनका पेट पालने के लिए रात भर धंधा करती है वो। धंधा? हाँ, लॉन्ड्री खोल रखी है घर पे। हाँ।
चार पांच मशीनें लगा रखी है, व्हील चेयर पे आती है, धनाधन कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, पूछो मत क्या क्या नहीं करती है वो मदर इंडिया। साथ साथ बच्चे पाल रखे बेचारी ने। साथ अभी छह बोलो ना, साथ देर जाया। क्या समझाऊं इन लोगों को। सातवां बच्चा इलीगल है। इलीगल बोले तो अभी अंडरवर्ल्ड के डॉन का है, उससे भी शादी कर लिया? नहीं रे, एक बार क्या तानिया ने ना उसका सूट जला दिया, डॉन ने माफ कर दिया उसको, बस हो गई सेटिंग। अच्छा वो छोड़ो, अभी आप लोग बताओ कि मीटिंग कब कराऊं, बताओ ना यार। कब करूं? इंडिया टिकट बुकिंग। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। एक काम करना भाई, इंडिया जाके इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवाना और अच्छी ढूंढना। तेरे सामान की तरह तू इंडिया नहीं आएगा क्या? यहाँ पेमेंट कौन देगा? यहाँ पेमेंट नहीं देगा तो मारते हैं वो लोग। मुझे क्या है, तुमसे जो पेमेंट लेनी थी ना उसकी फिक्र नहीं है। अरे मेरे को पेमेंट इधर मेरे को क्या? अरे ले, पागल है? ऐसे सच्चे आची की पेमेंट को मैं हाथ लगाऊं ना? अरे भगवान माफ करे, कभी नहीं। एक काम कर, इधर लगते भाई। चले भाई, ऐसे लेट हो गया, प्लेन में बैठने को जगह नहीं मिलेगा, खड़ा होकर जाना पड़ेगा। चल जल्दी कर, चल। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या इंडिया नहीं जाएगा तू? आज तानिया जैसी भी है मुर्गन, वो तकलीफ में, इस वक्त उसको मेरी ज्यादा जरूरत है, और इस हाल में मैं उसे छोड़ के चला जाऊं? मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे सलाम है ऐसी आशिकी पर मेरे भाई, हे भगवान। तू रुक जा, कसम से बोलता हूं। अरे 3 साल बाद जब तू और तानिया मिलेंगे, कसम से मेरी आंखें रोएंगी यार। 3 साल बाद क्यों? हाँ गई ना वो रात को हनीमून को। हनीमून अकेली? अरे अकेली नहीं, वो अंडरवेयर के साथ गई ना। अंडरवेयर? अरे अंडरवेयर नहीं मेरे भाई, अंडरवर्ल्ड वाले के साथ गई ना 3 साल के लिए। इतना लंबा हनीमून के लिए 3 साल? ये इंटरपोल वाले जब पीछे पड़ते हैं ना अंडरवर्ल्ड वालों के साथ, तो बहुत बुरा होता है, भागना ही पड़ता है उनको 3 साल के लिए। 3 साल हम लोग, ए 3 साल रुकने के लिए, चल चल चल। अरे 3 साल तो यूं देखते देखते 5 साल में गुजर जाएंगे। अरे 3 साल 5 साल क्या, तेरा किलोमीटर किलोग्राम उल्टा कुछ बोलते क्या? हम लोग पागल है क्या? ये 3 साल रहने के लिए मेरे बाप का कुआ है क्या तेल निकालने के लिए? उधर तेरे बाप से संभालेगा। रुक जा, अरे चला जा मेरे भाई, चला जा। भला टेली।